स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। खंडवा से लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर अड़े कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव का बयान, मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए करूंगा काम। किसी का कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नए लोगों को अवसर चुनाव में मिलना चाहिए। कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, अभी सबका एक एजेंडा है। कार्यकर्ताओं का खंडवा जीत और बाकी 3 विधानसभा की सीटें जीते। बीजेपी में जाने की अटकलों को किया खारिज अरुण यादव का बयान, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उनके नेता अभिनेता, किसी ने संपर्क नहीं किया। बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं मुझसे बात करने की। हमारे खून पसीने में कांग्रेस है, पूर्ण निष्ठा कांग्रेस में है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अनुभवी है, सर्वे करवाते हैं, सर्वे में जो भी नाम होगा उसे टिकट मिलेगा। सर देखो, शिवराज जी जो है वो बड़ी चिंता कर रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिला। उनका कहना है कि टिकट नहीं मिला ये कांग्रेस अपना घर जाने पर, लेकिन सिंपैथी सहानुभूति जरूर जता रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब विषयों पर मेरी प्रेस से भी चर्चा होगी। कल भी मैंने इंदौर में वही कहा कि मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरी पार्टी से सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। मैं कृतज्ञ हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, माननीय कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, तमाम नेताओं का, मध्य प्रदेश के और देश के भी। मैं अपने पारिवारिक कारणों से मैंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ली है और मैंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के निष्ठावान प्रतिष्ठित और जो जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता, उसको चुनाव का मैं नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जो पार्टी तय करेगी कैंडिडेट वो हम सबका कैंडिडेट होगा और केवल खंडवाए नहीं, चारों उपचुनाव में हम पुरजोर कोशिश करके, ये प्रयास हमारा होगा कि हम खंडवा भी जीते और चारों बाई इलेक्शन भी जीते, और इसके लिए हम लोग सतत पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। सर, बीजेपी के क्या रीति नीति से बात स्वागत कर रहे हो आपका? बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं उससे बात करें, ठीक है? ये अरुण यादव का रिकॉर्ड है पिछले 15 सालों का मध्य प्रदेश में। जब से मैं अपनी पार्टी में हूँ, मुझे इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं किसी को भी। और अब अभी हमारा एजेंडा ये उपचुनाव है, उसके बाद जो मुख्य एजेंडा है मिशन 23 है, जिसमें हम सब लोग इसके बाद भाग लेंगे। आपका प्रचार प्रसार जारी रहेगा कांग्रेस अगर? बिल्कुल, कल भी मैं बागली में था, आपने देखा ही होगा, प्रेस में आया है। और मैं कल आप लोगों से आज मिलके वापस खंडवा लोकसभा में ही रहूँगा और जो भी उम्मीदवार तय कांग्रेस करेगी आप उसको जिताएंगे, ये हमारा प्रयास। लेकिन ये जो चुनाव लड़ने से मतलब पार्टी को इसमें जैसे आपकी जरूरत है और आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट वहाँ खंडवा माना जा रहा है, फिर भी आप मतलब? मनोज जी, मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ कांग्रेस से और 4 लोकसभा और 1 शिवराज के खिलाफ भी लड़ चुका हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी विशाल पार्टी में नए लोगों को भी अवसर मिलते रहना चाहिए, अन्यथा हम नई सेना कैसे तैयार करेंगे। इसलिए मैं अपना कैंडिडेट मैंने विड्रॉ किया और मैं चाहता हूं कि, मुझे उम्मीद भी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एक अच्छे निष्ठावान व्यक्ति को वहां से चयनित करेगी। तो पहले चुनाव लड़ने के लिए आपसे किस किस से कहा था? देखिए, मेरा वो क्षेत्र है और मैं चूँकि वहां से 4 का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, तो मुझे किसी ने कहा नहीं सुना, ये कोई प्रश्न नहीं है। और उपचुनाव होना है तो उसकी तैयारी करना है, वो बट नेचुरल है हमको करना है, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और उस इलाके में काम भी करते हैं, तो जो तैयारी चुनाव की होनी चाहिए थी वो ऑलमोस्ट खंडवा की तो मैं समझता हो गई है, जिसमें जो माननीय कमलनाथ जी का निर्देश था कि जो संगठन में जो गतिविधि हमको करनी थी, मंडलम की, सेक्टर की, बूथ की, पेज प्रभारी की, वो तमाम तैयारी हमारी, जो मूल तैयारी चुनाव, बेसिक तैयारी जो चुनाव की होती है, वो हमारी हो चुकी है।